चेक करे वीर बजरंगे हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश, शिव सेना समाजवादी का पंजाब का वासी। मेरे नाल मेरे अंदर जिहड़े बैठे हुए ने निशान जी सिटी के चेयरमैन, नाल बैठे हुए लवली जी जिला संगठन मंत्री, यूथ के प्रधान सर ये है गगन जी। दोस्तों अज असी एक मुद्दे पर बैठे हाँ, डरोलियां बढ़िया हुई कीमतों कि अज हर पास खबरों का चर्चा का विषय बनया आया, पेट्रोल दधिया कीमतों कि हर पास हाहाकार मची है, पूरे हिंदुस्तान से हाहाकार मची है कि पेट्रोल दीमतं बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही गल है कि बहुत ज़्यादा जी माड़ी गल है साढ़े सारे वास्ते कि जी पेट्रोल दीमतं बहुत ज़्यादा मच रही हैं, और महंगाई भी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही, जोड़ा है बोझ जोड़ा है गरीब जनता से पै रहा। असी एक गल कहना चाहते हैं कि जोड़ा है यदा कसूरवार कौन है, जिड़िया पेट्रोल दधिया कीमत जो अभी आम लोग है, वो इस कारण अं आम लोग है कि अं व्यर्थ का पेट्रोल जोड़ा यूज करते हैं। मान लो जे सू कि घर दो बार पांच कदम तुरना भी पैदा तो ही अभी अपने स्कूटर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर असी इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर कि माड़ा का कम जाना थोड़ा ना पैदल इस्तेमाल कर लिए, सैकल का इस्तेमाल कर लिए, तो मैनू नहीं लगता कि सानू पेट्रोल की कोई ज़्यादा अं अपना भी खर्चा बचावे तो अपने देश वास्ते भी कम करा। लेकिन अगर सारा खर्चा अं अपना सारा ठीकरा केंद्र सरकार से पा दीए तो मैं नहीं लगता कि केंद्र सरकार के कोई है, क्योंकि पेट्रोल दीमतें कीमतें है वो बाहरले देशों पर निर्भर कर दी। जे अगर बाहरले देशों के जो रेट बदले आ, सब तो साढ़े वास्ते एक होर शर्म की गल हैगी कि साढ़े पैसे की कीमत जी है शेयर मार्केट भी डड़न करके डिगन दे, तुम्हें देखा होगा तो न्यूज़ चैनल से देख लो होर डिया। मैं एक चीज़ होर गल कहना चाहता कि जे केंद्र सरकार पेट्रोल दीमतें नहीं घटा रही तो साड़ी पंजाब सरकार की कर रही, साड़ी पंजाब सरकार भी तो चाहिए कि अगर केंद्र सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं तो तुम अपनी जी मौजूदा सरकार आ साड़ी पंजाब सरकार तो वो भी अपने वैट के घाटा करके इस पेट्रोल कंट्रोल च लिया सकती है। जरूरी तो नहीं है कि अभी केंद्र सरकार तो ही असं उम्मीद कर सकते हैं, सानू अपनी जी मौजूदा सरकार आ सानू उस तो भी उम्मीद होनी चाहिए आ कि साड़ी जी सरकार अपने वैट में क्यों पंजाब सरकार इस वैट में नहीं घटा रही, उन्होंने भी तो चाहिए कि इस वैट में घटा दिता जाए, वैट में घटा के एक थोड़ा ना जरा पब्लिक के जरा बोझ पै रहा वो पब्लिक का जोड़ा बोझ है वो घटेगा। ज मैं एक होर गल करना चाहता कि तगड़ा बंदा जोड़ा है वो तो अपने गड्डियों के पेट्रोल पा के घूमी जा रहा, कि जा रहा हर जगह पर यूज हो रहा, जोड़ा माड़ा बंदा बेचारा की करता है जिसे घर के खर्चा ही उन्ना का होंगे, जोड़ा बड़ी मुश्किल अपना खर्चा यूज कर रहा होंगे तो पेट्रोल का खर्चा पूरे करेगा, अपनी गड्डी का पूरा खर्चा पूरा करेगा या किस तरह का कम करेगा। जोड़े बंदे दिहाड़ी करते अपनी गड्डी के डीजल गड्डी का ही प्रयोग करते हैं, अज डीजल गड्डी का ही डीजल का ही पेट्रोल इन्ना महंगा हो चुके हैं, जे वो बंदा पहले 300 रुपये दिहाड़ी लैंदा ही अब किसी कस्टमर को 400 रुपये दिहाड़ी मंगेगा तो वो कस्टमर का जो कस्टमर के बोझ पेगा तो कस्टमर भी ही चुकाएगा उन्होंने देने वास्ते, वो कहेगा यार मैनू तो सस्ता काम चाहिए मैं तेरे को महंगा किदा करा, लेकिन वो मजबूरी है। मैं इस वास्ते यह गल लोगों तक सब बेनती करना चाहता दोस्तों कि असी अगर अज पेट्रोल अगर कीमतों कंट्रोल कराना चाहते तो सानू भी अपने नाल कंट्रोल करना पेगा, सानू भी पेट्रोल की बचत करनी चाहिए है, पेट्रोल की बचत करके सानू भी कितने माड़े माड़े कामों वास्ते स्कूटरी का ना प्रयोग करके, मैं तुम यही गल कहना ना स्कूटरी का प्रयोग करके सानू पैदल यात्रा भी करनी चाहिए, सैकल का इस्तेमाल करना कि अं पहले सैकल नहीं चलाते, साडे बजुर्ग नहीं चलाते, सब कुछ चलता ही उदों भी तो पेट्रोल हैगा ही। तो इस वास्ते मैं यह बेनती करना चाहता कि पंजाब सरकार को भी यह मंग करना कि वह केंद्र सरकार से डिपेंड ना रह के खुद वैट में घटा के गुरदा अपने पंजाब के वैट में घटा के पेट्रोल की कीमतों डाउन करे तो साड़ी जी इतों की अपनी जनता जी जनता जोड़ा है वा कि पेट्रोल की कीमत बढ़िया हुई कीमतों को जोड़ा है सू मजबूरी जी है वो दिलाई जाएगी सूँ छटाया जाए छुटकारा मिले। तो मैं इन्होंने गलों के नाल यह बेनती करा कि सू सू भी थोड़ा ना केंद्र सरकार का पंजाब सरकार का जोड़ा है वो साथ देना चाहिए।